हेलो बच्चों, मैं आरती शर्मा सेकेंड स्टैंडर्ड की वीडियो के साथ। आज सेकेंड स्टैंडर्ड की टॉपिक है मिठू और कौरा कहानी के पार्ट दो। पार्ट टू इसलिए क्योंकि आज मैं मिठू और कौरा पर आधारित प्रश्नों के उत्तर करेंगे और शुद्ध लेखन पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक के अनुसार। तो पिछले वीडियो में हम क्या देखे थे, एक बार फिर से दोहरा दें। तो पिछले वीडियो में मिठू और कौरा, जो कि ये सेकेंड स्टैंडर्ड की कहानी थी मिठू और कौरा, तो इसमें हमने देखा था कौन है मिठू और ये है कौरा। और मिठू अपना गुब्बारा, मतलब अपने चीज़ों को इसके साथ शेयर करता है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। इसी तरह हम क्लासरूम में भी ये साथ में रहेंगे। तो अभी इसी मिठू और कौरा की कहानी पर आधारित टेक्स्ट बुक के अनुसार हम क्वेश्चन आंसर भी आज देखेंगे और उस पर आधारित क्वेश्चन आंसर श्रुत लेखन आज हम पढ़ेंगे। तो चले बच्चों पाठ्य पुस्तक की तरफ। जी बच्चों, तो ये है आपकी गुंजन हिंदी पाठ माला दो, हिंदी की टेक्स्ट बुक। आप इसी तरह स्कूल के लिंक SVB स्टडी मटेरियल में जाओगे और वो लिंक ओपन करोगे तो आपको ये हिंदी की बुक ई बुक में मिलेगी और उस पर आधारित आप एक्सरसाइज भी देख सकते हो। तो आज की एक्सरसाइज है, जो लेसन है, लेसन टू पार्ट दो मिठू और कौरा। इस पे हमने कहानी पिछले वीडियो में तो पूरी रीडिंग की थी, ये पढ़ा था पिक्चर के अनुसार। ओके, तो आज हम इस पर ही आधारित श्रुत लेखन और प्रश्नोत्तर करेंगे। ठीक है, ये भी मैंने बोला था, ये है शब्दार्थ, ये इसको लर्न करना है। ओके, श्रुत लेखन यहाँ पर मैंने किया है, देखो पार्ट दो मिठू और कौरा। ओके, श्रुत लेखन नंबर एक गांव, दूसरा नंबर है घनी घनी, थर्ड घर घर, फोर रसीले, फाइव नंबर मैदान, छः नंबर आपका सिक्स है आम आम, सेवन मी म पर छोटी त्र मित्र, आठ नंबर ची प क चिपक, नाइन नंबर में आपका गुब्बारा, आधा ब है और पूरा ब पर आ की मात्रा, र पर आ की मात्रा, गुब्बारा। नंबर टेन खिलौना। ओके, तो ये है गांव, घनी घर, रसीले मैदान, आम मित्र, चिपक गुब्बारा, खिलौना। ये थे आपके श्रुत लेखन, जो आपकी नोटबुक में लिखनी है और लर्न भी करनी है। ओके बच्चों, ये है आपके प्रश्नोत्तर, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में भी हैं, देखो लिखित है ना। मिठू कहाँ रहता था, तो वही क्वेश्चन के आंसर भी साथ में मैंने दिए हैं। मिठू कहाँ रहता था, मिठू पीपल के पेड़ पर रहता था, मिठू पीपल के पेड़ पर रहता था, पका आम देखकर मिठू ने क्या सोचा, पका आम देखकर मिठू ने सोचा इसे खाया जाए, पका आम देखकर मिठू ने सोचा इसे खाया जाए, गुब्बारा देखकर कौआ क्या समझा, गुब्बारा देखकर कौआ ने उसे फल समझा। अब देखो इसको लर्न कैसे कर सकते हो, ये भी बताऊं। मिठू कहाँ रहता था, कहाँ है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर। तो क्वेश्चन के जगह पर आपने लिखा पीपल के पेड़ पर रहता था, बाकी क्वेश्चन उतार लो। पका आम देखकर मिठू ने क्या सोचा, क्वेश्चन क्या है, क्या सोचा, तो पका आम देखकर मिठू ने सोचा इसे खाया जाए। तो हमें लर्न कितना करना है बच्चों, इसे खाया जाए, बाकी तो आपके क्वेश्चन में भी है। गुब्बारा देखकर कौआ क्या समझा, तो गुब्बारा देखकर कौआ ने उसे फल समझा, क्या के जगह पे आंसर क्या आया, फल समझा, है ना बच्चों। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर सकते हो, अपनी नोटबुक में लिख सकते हो। अब
देखो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज आप देखोगे, देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में है, सही उत्तर पर टिक लगाओ। मीठू ने पेड़ पर क्या देखा? पका आम। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, उड़ते समय मीठू ने मैदान में क्या देखा? तो क्या देखा? गुब्बारा। गुब्बारा फटने पर कौरा क्या समझा? भागो भागो। क्या समझा था? शिकारी आया है, उसे लगा जैसे शिकारी ने बम से मारा उसे, है ना, बंदूक चलाई। एक शब्द में उत्तर दो, मीठू कौन था? तो हम यहाँ पर एक शब्द लिखेंगे, मतलब तोता, है ना। कौरा कौन था? कौन था कौरा? कौआ। कौआ का नाम क्या था? कौरा। कौए की आवाज कैसी थी? तीखी। कैसी थी? तीखी। काँव काँव, राइट। अब देखो, आपकी कक्षा में नया साथी आएगा तो आप क्या करेंगे? स्माइलिंग फेस करना है और सैड फेस बनाना है, तो उसके नाम पूछेंगे, यस और नो? यस, हम कोई भी साथी मेरे क्लास में आएगा तो हम उसे नाम पूछेंगे ही, परिचय लेंगे, विद्यालय घुमाएंगे। सही बात है, हम विद्यालय अपना घुमाएंगे, उससे बात नहीं करेंगे। क्या ये अच्छी बात है? नहीं। तो हम इसमें बैड स्मेल, ये सैड फेस बनाएंगे, अन्य मित्रों से परिचय कराएंगे, राइट। अच्छी बात है, हम अपने मित्रों दूसरे मित्रों से भी मिलाएंगे, मिलकर खेलेंगे, ये भी सही बात है, हमें मिलकर रहना चाहिए। उसे साथ नहीं खिलाएंगे, क्या ये सही बात है? नहीं, हमें तो सबको साथ में लेकर रहना है, तो सैड फेस बनाएंगे, ओके। अब ये देखो, आपके पड़ोसी के घर नारंगी का पेड़ है, उसकी एक डाली आपके घर में भी आ रही है। पड़ोसी के घर क्या है? नारंगी का पेड़, और वो उसकी एक डाली क्या आ रही है? आपके घर पर। तो आप नारंगी लेना चाहते हैं तो क्या करेंगे? चुपचाप नारंगी तोड़ लेंगे? चुपचाप तोड़ लेंगे? नो, रॉन्ग। पड़ोसी से मांगेंगे? कोई ज़रूरत नहीं है, जब वो प्यार से देगा तो ही हम लेंगे। तोड़कर फिर बताएंगे, ये भी गलत बात है, हम किसी की चीज़ को पहले तोड़ लें और फिर दें। पड़ोसी से पूछेंगे, बिल्कुल सही, अगर मेरी खाने की इच्छा है तो हम उसे पूछेंगे। झगड़ा करेंगे? झगड़ा भी नहीं करनी चाहिए, रॉन्ग। तोड़कर उन्हें दे देंगे, ये भी गलत है कि हम किसी की चीज़ पहले तोड़ लेंगे बिना पूछे और फिर उसे देंगे, नो। तो यहाँ पर सिर्फ एक ही सही आ रहा है, पड़ोसी से पूछेंगे, ये हमारी अच्छी हैबिट है। अभी देखते हैं भाषा ज्ञान, ठीक है। एक से अनेक बनाओ, एक से अनेक मतलब एक है और उसके अनेक शब्द बनाना है। तो गुब्बारा का क्या आएगा? गुब्बारे। जैसे तोता का एक दिया है ना, तोते, वैसे गुब्बारे। कौवा का कौए, बहुत सारे कौए हो जाते हैं, उसको मैं ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आवाज, आवाजें, डाले, ओके, डालें, यहाँ पर बिंदु भी आएगी। चीजें, देखो उच्चारण पर भी ध्यान देना, हाँ, चीजें, ए, जब हम बहुवचन करते हैं एक से अनेक तो उस पर बिंदु लगती है। उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखो, बड़ा छोटा, पका तो क्या होगा? कच्चा, है ना, पका आम है, कच्चा आम। यहाँ वहाँ, यहाँ वहाँ, नीचे ऊपर, बड़ा ऊपर, ऊपर, एक अनेक, राइट, एक का अनेक। उतरना चढ़ना, पिछली कक्षा में ना एक बार मुझे बच्चों ने यह जवाब दिया था, एक का बच्चों, तो बोले थे दो, नहीं, एक का अनेक, ऑपोजिट। इनसे शुरू होने वाले शब्द पाठ से चुनकर लिखो, तो औ की मात्रा है, पाठ से चुनना है, तो औ की मात्रा से कौवा बना, तो ऊ की मात्रा में अब आप चुनोगे, तो देखो यहाँ पर ऊ की मात्रा में क्या है? गुब्बारा, जिसमें ऊ की मात्रा लगती है। तो आपको पाठ से ही चुनना है, जो आपकी कहानी है ना उसके अंदर से, कि ये मात्रा कहाँ लगी है, तो सही मात्रा वाला करेंगे। देखो छेद, जब आप शब्दार्थ में जाओगे तो वहाँ पर भी है ये ए की मात्रा। ए पर भी हम ढूंढेंगे, इसमें से ही ढूंढना है, तो ए की मात्रा देखो, यहाँ मैदान पर ए की मात्रा है ना, ये देखो, हाँ, तो हम इसको यहाँ से चुने और हमने यहाँ पर लिखा,
मैदान, मैदान, ठीक है। उसी तरह से मी ठू, राइट। फिर ई की मात्रा में मिलकर लिख सकते हैं। खिलौने में भी आता है ई की मात्रा, दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे मिलकर, देखो खिलौने में भी ई की मात्रा है ना, ये देखो ई की मात्रा। फिर है आपका मिलकर, ये देखो ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा आगे से जो लगती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने शब्द इसमें से ढूंढे और इसमें से हमने लिखा और ये पूरी वर्क हमने कंप्लीट किया। यहाँ पर है फोर नंबर, पार्ट से आए नाम शब्द लिखो। तो पार्ट से क्या है नाम, फल का नाम, तो हमने आम पढ़ा था फल। खेलने की चीज का नाम क्या पढ़ा था, कोई एक खेलने की चीज लेकर आया था तोता मिठू हमारा, तो वो क्या था, गुब्बारा। पार्ट से ही चुनना है। पक्षी का नाम कौवा था, तोता था, दो थे, तो दोनों में से कोई भी एक लिख सकते हो जो आपको पसंद हो। तोता भी लिख सकते हो आप, कौवा भी लिख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर पक्षी का नाम लिखना था जो आपके पाठ में ही है। तो ठीक है, इस तरह से आपने ये पूरी वर्कशीट की। ये तो आपकी बुक अगर आपके पास हो तो ये आपको घर पर कलर कर सकते हो, वरना ऐसे भी घर पर बना दो और उस पर ग्रीन कलर कर लो। चोच कैसी होती है उसकी, रेड। तो आप ऐसे क्रिएटिव भी कर सकते हो कुछ, है ना बच्चों। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा सूत्र लेखन और प्रश्नोत्तर, और हम उस पर आधारित एक्सरसाइज भी कर चुके, ओके। तो ठीक है बच्चों, आज आपने क्वेश्चन आंसर देखे, सूत्र लेखन देखे पाठ पर आधारित। तो इसी तरह से आप ई बुक की हेल्प से घर पर भी लिख सकते हो अपनी नोटबुक पर, ओके। तो बाय बाय।